हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एनलाइटेंड एकेडमी। आप सभी जानते हैं कि राहुल गांधी अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहे, मतलब वो लोकसभा की मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि सूरत के एक सेशन कोर्ट ने एक डिफामेशन यानी मानहानि के केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इतने सारे MPs और MLAs में ना जाने कितने क्रिमिनल केसेस होते हैं, लेकिन वो तो डिस्क्वालीफाई नहीं होते, तो फिर राहुल गांधी क्यों हो गए? तो दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि बाकी नेताओं पे क्रिमिनल केसेस हैं, लेकिन अभी तक भारत के किसी भी कोर्ट ने उन्हें दोषी करार नहीं दिया। और जिस दिन इंडिया के किसी भी कोर्ट ने इन MLAs और MPs जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, अगर उनको दोषी करार दे दिया, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 102 एंड 191 और पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के तहत उन्हें इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा पहले नहीं होता था? मतलब MLAs और MPs के दोषी करार दिए जाने के बाद भी उनके पास 3 महीने का समय होता था कि वो हायर कोर्ट में इस लोअर कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज कर सकते हैं, और तब तक वो अपनी सदस्यता को बरकरार रखेंगे। पर ये सारी चीजें बदल गई ईयर 2013 के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(4) को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, जो बेसिकली इन लॉ मेकर्स को 3 महीने का समय देती थी जिसके बाद ही वो डिस्क्वालीफाई होंगे। लेकिन 2013 के बाद जैसे ही कोई कोर्ट उन्हें दोषी करार देंगे, तो वो उसी समय डिस्क्वालीफाइड भी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब ऐसी सिचुएशन में MLAs और MPs के पास क्या ऑप्शंस है? तो उनके पास 2 ऑप्शन होगा। एक तो वो इस वर्डिक्ट को उसी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि वो इस वर्डिक्ट को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और अगर कोर्ट ने उनकी डिस्क्वालिफिकेशन पे स्टे लगाया, तब वो अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करेंगे, और अगर स्टे नहीं लगाया तो वो इमिडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और इसके बाद वो अपने सेंटेंस के खत्म होने के 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। और ये सारी चीजें राहुल गांधी के साथ भी होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।